नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रत्नेश वेटनरी होम्योपैथी पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जहरीली घास या जहरीला हरा चारा खाने से उत्पन्न विषम स्थितियों में पशुओं में विशेष रूप से उपयोगी एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते। दोस्तों, जहरीली घास, जहरीला हरा चारा या जहरीली चरी खाने से पशु चरते चरते अचानक से गिर पड़ता है। उसके पांव कड़े हो जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है और बेहोशी तक आ जाती है। तुरंत और उचित चिकित्सा न मिलने पर पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे और इन विषम स्थितियों में होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स भूमिका बहुत ही अच्छी दवा है। होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स भूमिका इन स्थितियों में बहुत ही अच्छा एंटीडोट है। ये दवा प्रतिविष के रूप में बहुत ही अच्छा काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स भूमिका जहरीली घास, जहरीला हरा चारा खाने से उत्पन्न दुष्प्रभावों तथा फूड प्वाइजनिंग के लगभग सभी स्थितियों में प्रतिविष के रूप में और उत्पन्न दुष्प्रभावों को कम करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। इस दवा का प्रयोग 200 पोटेंसी में नक्स भूमिका 200 10-10 बूंद की मात्रा में 3 से 4 बार स्थिति और आवश्यकता अनुसार और गंभीरता की स्थिति में इसे जल्दी जल्दी रिपीट भी कर सकते हैं। नक्स भूमिका से उचित लाभ न होने की स्थिति में होम्योपैथिक मेडिसिन प्लेंटेगो का भी यूज कर सकते हैं। ये दवा 200 पावर में प्लेंटेगो 200 ठीक नक्स की तरह दे सकते हैं। यह दवा इन तरह की स्थितियों में अच्छा लाभ करती है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि इन दवाओं के साथ एक बार अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श जरूर लें ताकि किसी भी प्रकार की गंभीरता की स्थिति से बचा जा सके। तो दोस्तों, ये था जहरीली घास, जहरीला हरा चारा और पशुओं के फूड पॉइजनिंग में विशेष रूप से उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन से जुड़ी बातें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नॉलेजबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।